जैन बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं आलू की। आह, क्या बात है! आलू, हाँ, जिसको इंग्लिश में पोटैटो कहा जाता है। आलू का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम होता है। यह सोलानेसी परिवार का एक भूमिगत वार्षिक पौधा है और आलू पेरू बोलिवियन इंडीज का मूल निवासी है। नेटिव जो है ये बोलिवियन इंडीज का है। सब्जियों का राजा होता है आलू। हर दावत की शान है आलू। क्या आपने कभी याद किया, जो पोटैटो चिप्स आप खाते हैं, चाहे फ्रेंच फ्राइज हो या मैकडी का वो बर्गर हो, जी हाँ, उस स्वाद को आप नहीं बोल सकते। लोग दीवाने हैं इनकी, इन चीजों के, इन स्वाद के। और ये सब स्वाद जो है ये आलू के दम पे है। आलू और आलू से बने व्यंजन और सामग्री बाजार में धूम मचाए हैं। फास्ट फूड तो आलू के बिना अधूरा है। फास्ट फूड इंडस्ट्री आलू के दम पर ही जिंदा है। ऐसा नहीं है कि आलू सिर्फ हमारा पेट ही भरता है, आलू सेहत का खजाना भी है, क्योंकि आलू कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है। साथ ही साथ विटामिन सी, विटामिन B6, कैरोटीनॉइड, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, आयरन, मैग्नीशियम, अमीनो एसिड, फैटी एसिड से भरा होता है आलू। अगर बात करें आलू के फायदे की, तो आलू पाचन क्रिया यानी कि डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, सुधारता है, कॉन्स्टिपेशन कब्ज समस्या को दूर करता है, हड्डियों को ताकत देता है, किडनी या गुर्दे में पथरी निर्माण को रोकने वाला होता है आलू, लीवर को साफ करता है, हार्ट स्ट्रोक को घटाने वाला है आलू। समझ रहे हैं आप? तो ये वो चीजें हैं जो कभी आपने खाते तो हैं आलू, पर महसूस नहीं की होंगी कि आप आलू नहीं कुछ अलग खा रहे हैं, कुछ ऐसा जो आपको सेहत से मालामाल करने वाला है। अब बात करते हैं आलू उत्पादक देशों की। तो भाई, आलू का जो सबसे ज्यादा सर्वाधिक उत्पादक देशों की अगर टेबल की बात करें, सूची की बात करें, तो चीन के बाद भारत नंबर 2 पे आता है आलू उत्पादन में। तो नहीं है टेंशन, खूब खाइए, जम के खिलाइए आलू, क्योंकि भरपूर मात्रा में उत्पन्न होता है भारत में आलू। अब बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं चर्चा। अब होता क्या है, घरों में आलू बहुतायात में प्रयोग होता है। भाई आलू गाजर, आलू गोभी, है ना, समझ रहे हैं ना, हर जगह आलू ही आलू है ना। तो अक्सर लोग करते क्या है कि घरों में थोड़ी ज्यादा मात्रा में लाकर रख लेते हैं कि भाई डेली कौन जाएगा, आलू खत्म हो गया है, आलू तो घर में होना चाहिए, तो थोड़ा सा ज्यादा लाके रख लेते हैं आलू। लेकिन समस्या जो होती है वो शुरू होती है तब जब आलू थोड़ा पुराना हो जाता है या ज्यादा दिन से रखा होता है, तो आलू में अंकुरण या छोटी छोटी, हिंदी में बोले तो घुंडियां दिखाई देने लगती हैं। इसको बोलते हैं जर्मिनेशन ऑफ पोटैटो। आलू में छोटे छोटे हरे रंग के, पहले सफेद होते हैं, फिर वो हल्का हल्का हरा होने लगते हैं, जिसको बोलते हैं आलू का अंकुरण। जी हाँ, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। वो करते क्या है कि भाई छिलके को उतारो और आलू को साफ करके चढ़ा दो, है ना, बना लो सब्जियां। लेकिन भाई ऐसा करना बिल्कुल भी सेहत के लिए फायदेमंद नहीं होगा, ये आप सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। क्यों क्यों, तो समझिए क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा बोला है। आलू जब जर्मिनेट होता है या आलू में अंकुरण होता है, तो आलू के अंदर कुछ रासायनिक केमिकल चेंजेस होते हैं, रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जिससे आलू का कार्बोहाइड्रेट स्टार्च शुगर में बदलने लगता है। अब जब ये क्रिया होती है तो यहाँ पे दो नए केमिकल बन जाते हैं आलू में, जिनका नाम है सोलानिन और अल्फा केकोनिन। ये दोनों ही केमिकल जो होते हैं ये जहरीले होते हैं हमारी बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए। तो जब आप ऐसा आलू खा रहे हैं जिसमें अंकुरण हो चुका है या फिर उसमें जर्मिनेशन हो गया है, तो आपकी बॉडी के अंदर आलू के पोषक तत्वों के साथ में दो विषैले केमिकल भी प्रवेश कर रहे हैं आपकी बॉडी के अंदर, सोलानिन और अल्फा केकोनिन। हमारे पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम को नुकसान पहुंचाकर हमारे स्वास्थ्य को खराब करते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस चीज ने आपके शरीर में दिक्कत पैदा की है, दिक्कत कहां से हुई है। हम तो घर का ही खाना खा रहे हैं, हम तो बाहर के फास्ट फूड भी नहीं खाते हैं, पता नहीं फिर भी इतनी गैस क्यों बनती है, इतना पेट खराब क्यों रहता है, भूख कम क्यों हो गई है। तो ऐसे अलग अलग सिम्टम
हो जाते हैं उन लोगों में मिलते हैं जो ऐसे आलू को लंबे समय तक प्रयोग करते हैं जिनमें अंकुरण हो चुका है। तो इन अगर आपके घरों में ऐसे आलू आपको दिखाई दे रहे हैं तो इन आलूओं से आपको दूरी करने में ही भलाई है, आपकी भी और आपके परिवार की भी। ऐसे आलू को तुरंत घर से बाहर फेंक दें। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये आलू आपके और आपके परिवार के स्वास्थ्य को खराब करने वाले हैं। और एक कहावत भी है, जरूर सुनी होगी, भारतवर्ष में लोकोक्ति है, तंदुरुस्ती हजार नियामत है। ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि इंग्लिश में बोले तो कुछ लोग हिंदी में नहीं समझते हैं, तो शॉर्ट और कंसाइज बोले तो हेल्थ इज वेल्थ। अगर आप फिट हैं तो आप हिट हैं, तो अच्छा खाइए और लोगों को भी बताइए कि भाई आलू सब लोग खाते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखें। आलू अगर हरा हो रहा है तो भी, और आलू में अंकुरण है तो भी, उन दोनों प्रकार के आलूओं से आपको परहेज करना है, क्योंकि आपको रहना है फिट। आप जब फिट होंगे तभी आप होंगे हिट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमको जरूर लाइक और कमेंट करें, और अगर अच्छा नहीं लगा है तो भी भाई हमको कमेंट करके हमारी कमियों को हमें जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।